हेलो गाइस, गेमिंग एम्पायर के एक न्यू वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ पे देख सकते हो मैं अभी कौन से क्लैन हूँ, द एवेंजर्स। शायद आप लोगों को पता है द एवेंजर्स क्लैन के बारे में, बहुत ही पॉपुलर क्लैन था। फिलहाल अभी उस क्लैन में ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं है, बट एक टाइम में वो वन ऑफ द बेस्ट क्लैन था टाउन ऑफ नाइन के लिए बोल सकते हो, ठीक है। सो ये उसी का एक क्लैन है, मतलब उसी क्लैन के सारे मेंबर्स ने मिलकर यहाँ पे एक वॉर यहाँ पे किया है। देख सकते हो यहाँ पे वॉर 50 vs 50 वॉर किया गया था यहाँ पे, एंड सारे टाउन ऑफ नाइन के बेसिस। एंड यहाँ पे दोनों तरफ से यहाँ पे देख सकते हो 150 150 दोनों तरफ से 100% डिस्ट्रैक्शन किया गया है। मतलब समझ सकते हैं ना, WWE में जैसे एक दूसरे को पेलते। बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब देखो यार कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे एक दूसरे को अच्छी तरह से पेल दिया है। सारे बेसिस पे यहाँ पे 3 स्टार, सारे यहाँ पे ओपोनेंट ने भी अच्छी तरह से पेल दिया है, एंड यहाँ पे अब हम लोगों ने भी यहाँ पे अच्छी तरह से पेल दिया, ठीक है। सो आज हम लोग इस वाले वीडियो पे इसी चीज़ के यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे अटैक्स देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजी हम लोग देखने वाले, तो ये पूरा वीडियो देखना, एंड आखिर में वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना, एंड मुझे कमेंट पे ये जरूर बताना आप लोगों को सबसे अच्छा कौन सा वाला स्ट्रैटेजी लगा। तो वैसे चलिए बिना टाइम के वीडियो की शुरू कर लेते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सबसे पहले अगर आप में से कोई भी आज मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन दबा दो, जिससे कि तुम लोगों को क्लैश ऑफ क्लैंस से रिलेटेड हर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे चैनल पे देख रहे हो मिल जाएगा। एंड यार यहाँ पे हम लोगों का 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुका है, बट इसको हम लोगों को 100,000 तक लेके जाना है यार, 100K करवाना है। तो यार जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो यार, शेयर वगैरह करो, सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वॉर के ऊपर चलते हैं, एंड ये जो वॉर हुआ था गाइस, दोनों यहाँ पे अपना ही क्लैन था, ठीक है, बट यहाँ पे फ्रेंडली वॉर हुआ था। यहाँ पे मतलब दोनों टीम का यहाँ पे जो मेंबर्स है बोल सकते हो सब एक ही है, बट यहाँ पे दो अलग अलग क्लैन बनाए गए, एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे वॉर किया गया। देखो यहाँ पे दोनों ही अपने क्लैन है, एंड दोनों ने यहाँ पे लेवल 1 का क्लैन किया। दोनों ही टीम में 50 vs 50 हुआ, एंड दोनों ही टीम में सारे TH9 के प्लेयर्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे देखो मतलब कोई भी हाई लेवल के ट्रूप नहीं ले सकते, टाउन हॉल 9 मतलब टाउन हॉल 9 के ही ट्रूप लेना पड़ेगा, ऊपर नहीं ले सकते, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, यहाँ पे देखो सारे बेसिस पे यहाँ पे आराम से 3 स्टार पेल दिया। सो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ अटैक्स देखेंगे जो कि बेस्ट से भी बेस्ट अटैक है। यहाँ पे तो सारे अटैक मैंने देखा, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे अटैक देखा, एंड सभी अटैक एक से बढ़कर एक है, बट यहाँ पे सारे अटैक तो अभी नहीं दिखा सकते ना गाइस। तो यहाँ पे मैंने कुछ अटैक्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, उन अटैक्स को यहाँ पे दिखाएंगे, एंड गाइस तुम लोग बताना तुम लोगों को कौन सा अटैक सबसे बेस्ट लगा, ठीक है। एंड टाउन हॉल 9 या फिर 8 के प्लेयर्स अगर यहाँ पे हो तो गाइस तुम लोग इस अटैक को ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अटैक है, खास करके यहाँ पे जो टाउन हॉल 9 के प्लेयर्स है उन लोगों के लिए। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर 9 के लिए चलते हैं, जो ये रहा यहाँ पे नंबर 9, एंड हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे अटैक रिप्ले गोल करते हैं, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे कौन सा स्ट्रेटजी यूज़ किया गया, इसको हम लोग यहाँ पे गोवाइप बोल सकते हैं, बट गोवाइप फुल्ली गोवाइप नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हॉगरेटर्स है, बट उसी टाइप का एक स्ट्रेटजी है। तुम लोग देखो यहाँ पे बेस फुल्ली मैक्स, सारे बेस यहाँ पे फुल्ली मैक्स और टाउन हॉल 9 के थे, एंड यहाँ पे मतलब समझ सकते हैं यार यहाँ पे कितना खतरनाक वार हुआ है। एंड तुम लोग गाइस इस अटैक को अच्छी तरह से देखो, यहाँ पे इस तरफ से सबसे पहले अटैक स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक गोलेम, उसके पीछे से कुछ यहाँ पे विजर्ड्स आ गए, एंड उसके साथ यहाँ पे फनल क्रिएट किया जा रहा है, एंड हम लोग यहाँ पे सारे अटैक यहाँ पे 2x2 स्पीड में देखेंगे, जिससे कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, आप लोगों को जिससे बोन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे टोटल 5 यहाँ पे गोलेम को यूज़ किया गया, यहाँ पे 4 गोलेम अपना था, एंड एक और गोलेम यहाँ पे CC का था। सो मतलब समझ सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल अटैक था। एंड यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे एक रेस स्पेल ओपोनेंट की सीसी से यहाँ पे बाहर आ चुका है, यहाँ पे बेबी ड्रैगन साथ में यहाँ पे विचेस शायद आ चुका है, एंड यहाँ पे सबसे पहले एक जंप यहाँ पे आ गया, एंड एक जंप यहाँ पे मिडिल पे क्वीन के आसपास आ गया, ठीक है। तो ओपोनेंट का क्वीन भी यहाँ पे है, एंड अब हम लोग का क्वीन भी अभी अंदर जाने वाला है, ये हम लोग का क्वीन चला गया, ओपोनेंट का क्वीन को भी यहाँ पे बीट कर लिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे जंप स्पेल, अभी भी एक जंप स्पेल बचे हुए हैं, मतलब कुछ नहीं बोल सकते यार इस वाले स्ट्रेटजी को। टोटल 3 जंप स्पेल यहाँ पे यूज़ किया गया है, एंड नॉर्मली तो हम लोग यहाँ पे जंप स्पेल को ज़्यादा यूज़ करने से ही डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे जंप स्पेल ऑलवेज सही नहीं रहता, बट यहाँ पे 3 जंप स्पेल को यूज़ करके यहाँ पे 3 स्टार किया गया है। देख सकते हो कितना पावरफुल अटैक है, एंड अभी भी उसके पास 5 हॉक बाकी है, एंड उसके साथ एक विजर्ड बाकी है, क्वीन का एबिलिटी बाकी है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ बाकी है। एंड यहाँ पे अभी भी 2 गोलेम उसके पास अभी भी सर्वाइव कर रहा है, एंड साथ में यहाँ पे क्वीन, ठीक है, एंड अभी आराम से यहाँ पे क्वीन का एबिलिटी जाएगा, एंड आराम से यहाँ पे 3 स्टार। देखो यहाँ पे कितना अच्छी तरह से इस वाले स्ट्रेटजी को यहाँ पे 3 स्टार किया गया है, मतलब समझ सकते हैं यार कितना पावरफुल स्ट्रेटजी है ये वाला। सो ये तो क्या है यहाँ पे गोवाइप टाइप का अटैक, एंड अभी हम लोग जाएंगे एक और न्यू स्ट्रेटजी को जो कि और भी ज़्यादा ऑसम है, तो उसके ऊपर डायरेक्टली बढ़ते हैं, ठीक है। गाइस ये है नंबर 15, एंड यहाँ पे देखो गाइस कौन सा स्ट्रेटजी यूज़ किया गया है, क्वीन चार्ज ला लो, मतलब पता है ना गाइस क्वीन चार्ज ला लो तो नॉर्मली ये टाउन हॉल 11 से सबसे पावरफुल होता है, बट यहाँ पे टाउन हॉल 9 से इसको यूज़ किया जा रहा है। एंड देखो यहाँ पे कितना पावरफुल अटैक हुआ था, मैंने इस वाला अटैक को देख के बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अमेजिंग, मतलब
समझ सकते हैं यार क्या बताओ यहाँ पे, ये वाला अटैक इतना बेहतर था यहाँ पे। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वीन आ गया, उसके पीछे हीलर्स आ गया, एंड यहाँ पे एक यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक एयरमैन को ट्रिगर करने के लिए एक लून आ गया, एंड अभी उसके मतलब उसके पास बस यहाँ पे एक ही लावा हाउंड था, एंड यहाँ पे एक विजर्ड एक मिनियन, एंड यहाँ पे इस तरफ से एक विजर्ड एंड एक हीरो के साथ, सॉरी यहाँ पे किंग के साथ यहाँ पे फाइनल किया जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी क्वीन मर जाता बट यहाँ पे रेस स्पेल की वजह से हो गया, एंड अभी यहाँ पे वर्ल्ड बेकर्स आ गए, वर्ल्ड बेकर्स ने भी बहुत अच्छा काम कर दिया है यहाँ पे। तो क्वीन अभी अंदर जा रहा है एकदम आराम से, यहाँ पे क्वीन सब चीज़ के यहाँ पे मतलब ले लेगा, ठीक है। एंड इस तरफ से किंग ने भी बहुत अच्छा फनल क्रिएट किया, अभी देखो यार यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे आराम से यहाँ पे थ्री स्टार हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वीन ने यहाँ पे दो हम लोग के एडमिस को निकाल लिया, ठीक है। अभी भी यहाँ पे ओपोनेंट की सीसी का ट्रूप यहाँ से बाहर आ चुका है, तो देखते हैं यहाँ पे सीसी का ट्रूप क्या होता है, तो सीसी का ट्रूप अभी देखते हैं यार क्या होता है, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पे सुइसाइड लेवल वन स्टार्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्वीन के आसपास यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे मतलब बेबी ड्रैगन, एंड यहाँ पे उसी के साथ एक विच एंड उसका स्केलेटन, बट यहाँ पे क्वीन ने आराम से इसको कवर कर लिया। सो ये आ रहा है हम लोग के यहाँ पे दो दो तीन तीन लूंस एंड एक लावा हाउंड, एंड इस तरफ से भी एक लावा हाउंड एंड दो दो तीन तीन लूंस आ गए हैं, एंड यहाँ पे अपना क्वीन भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे खेल रहा है, ठीक है। तो ये देखो यार कितने आराम से यहाँ पे थ्री स्टार हो चुका है यहाँ पे, मतलब बस क्वीन ने यहाँ पे थ्री स्टार करवा दिया, बाकी ने तो बस यहाँ पे फनल क्रिएट किया एंड थोड़ा यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन जल्द से ले लिया, बट मेन यहाँ पे जो अटैक हुआ वो तो यार क्वीन का ही हुआ है, एंड एक यहाँ पे रेस स्पेल का स्वैग, मतलब समझ सकते हैं ना कितना पावरफुल अटैक था यहाँ पे, मतलब इतना टफ बेस के ऊपर भी यहाँ पे बस क्वीन चार्ज एंड लावल उनके साथ किया, एंड वहाँ पे भी एक रेस स्पेल का यहाँ पे स्वैग कर लिया, मतलब यार कितना पावरफुल यहाँ पे अटैकर से समझ सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये तो क्या यहाँ पे क्वीन चार्ज लावा लून, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और अटैक के ऊपर बढ़ेंगे जो कि और भी अमेजिंग होने वाला है, तो देखते वो वाला अटैक भी, ठीक है। नंबर 17 पे जो कि यहाँ पे एक और बेस है, ये भी बहुत बढ़िया बेस है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ओपी टाइप का बेस है, एंड मतलब देखो यहाँ पे अभी कौन सा स्ट्रेटजी यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो मैंने पहला वाला यहाँ पे दिखा आप लोगों को गोवाइप एंड यहाँ पे गोहो टाइप का, सो उसी स्ट्रेटजी का ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पे मतलब नाम नहीं दे सकते, बहुत से ऐसे स्ट्रेटजी है, ये लोग मेनली क्या करते हैं बेस को देखते हैं सबसे पहले, एंड बेस पे जैसा स्ट्रेटजी काम करेगा उसी हिसाब से न्यू यहाँ पे स्ट्रेटजी बना लेते हैं, ठीक है। तो तुम लोग भी अगर टाउन लाइन के प्लेयर्स हो तो तुम लोग भी ऐसे ही करो, बेस के हिसाब से तुम लोग यहाँ पे स्ट्रेटजी बना सकते हो, सिर्फ टाउन लाइन ही नहीं और भी अलग अलग यहाँ पे टाउन के लेवल्स के प्लेयर भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो गाइस कितना अच्छी तरह से यहाँ पे भी थ्री स्टार किया गया, एंड यहाँ पे बस दो जंप स्पिल यूज किया गया था, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा थ्री जंप स्पिल बट यहाँ पे दो जंप स्पिल, एंड यहाँ पे सबसे पहले क्वीन वॉक यहाँ पे किया गया, यहाँ पे देख सकते हो क्वीन वॉक स्टार्ट हो चुका है। तो मतलब क्या हो रहा है यार यहाँ पे देखो यार अपने इंडिया पे, ये लोग टाउन लाइन के बेस्ट प्लेयर्स भी बोल सकते हैं इंडिया से, इसका जो टीम है गाइस टाउन लाइन के बेस्ट प्लेयर्स बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टाउन 11 के बंदे यहाँ पे टाउन 8 के टाउन नाइन के भी ये है, एंड टाउन 10 सारे यहाँ पे टाउन के बेस्ट प्लेयर्स है, एंड यहाँ पे ये रहा हम लोग टाउन नाइन के बेस्ट प्लेयर्स। यहाँ पे ओपोनेंट जो था ओपोनेंट में बहुत अच्छा अटैक किया था, ओपोनेंट का अटैक भी बहुत बढ़िया था, हर एक बेस पे यहाँ पे थ्री स्टार पे लग गया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस सबको आप लोगों को नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे जो ये जो टीम है गाइस यहाँ पे द एवेंजर्स, ये लोग नहीं चाहते उन लोगों के बेस को सबको दिखाने के लिए, ठीक है। मतलब उन लोगों के बेस पे कहाँ पे क्या है ये सब नहीं दिखाना चाहते, तो इसीलिए मैं अभी नहीं दिखाना चाहता इसको, बट कोई नहीं यार आगे जाके हम लोग यहाँ पे अच्छे अच्छे बेस और भी देखेंगे, अच्छे अच्छे और भी अटैक्स देखेंगे। बट गाइस यहाँ पे मतलब ओपोनेंट को भी हम लोग कम नहीं बोल सकते क्योंकि ओपोनेंट ने भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अटैक किया है, ठीक है। मतलब ओपोनेंट ने भी यहाँ पे थ्री स्टार पहला, हम लोगों ने भी थ्री स्टार पहला, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग जीत गए क्योंकि हम लोग कम अटैक्स यूज किए थे, एंड कम अटैक्स में हम लोगों ने यहाँ पे 100% निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला अटैक्स देखो गाइस बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अटैक हो रहा है, इस तरफ से यहाँ पे हॉगिंग स्टार्ट हो चुका है, हॉगिंग तो नहीं बोल सकते बट यहाँ पे मतलब क्या बोले यार यहाँ पे बस छः सात यहाँ पे हॉक्स के साथ यहाँ पे हॉगिंग हो रहा है, एंड यहाँ पे ये लोग स्केलेटन स्पेल यूज करते हैं। यहाँ पे देखो एक स्केलेटन यहाँ पे आ गया, एक स्केलेटन यहाँ पे आ गया, एंड एक और स्केलेटन स्पेल यहाँ पे आ चुका है। नॉर्मली मैं यहाँ पे स्केलेटन स्पेल यूज नहीं करता, कभी कभी यूज करते हो जब यहाँ पे क्वीन को यहाँ पे कवर करना पड़ता है स्केलेटन स्पेल एंड यहाँ पे रेड स्पेल के साथ, तो तुम लोगों ने भी शायद उसको किया होगा, बट यहाँ पे स्केलेटन स्पेल के ऊपर भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, साथ में यहाँ पे जंप स्पेल के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे देखो गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब क्या बताओ यार इस वाले अटैक के बारे में, यार एक से बढ़कर एक अटैक है, किसी भी अटैक को हम लोग यहाँ पे छोटा नहीं बोल सकते, सारे अटैक एक दूसरे के बाप है यार सच में, लिटरल यार एक एक अटैक को आप लोग देखो यार क्या मस्त अटैक है यार यहाँ पे एक एक अटैक, ठीक है। सो ये भी गया हम लोग का एक और स्ट्रेटजी, एंड अभी हम लोग एक लास्ट अटैक देखेंगे जो कि एक बंदे का है जिसके बारे में शायद आप लोगों को पता है, तो उसको देख लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग एक और न्यू बेस के ऊपर आ चुके हैं, एंड पता है गाइस ये कौन है यहाँ पे, ये जो हाई टाइम्स है ये अपना हर्षल भाई है, अपना टैक्सी, पता है ना गाइस टैक्सी कौन है, सुमित 007 ने भी उसके ऊपर बहुत सारे टाइम्स यहाँ पे वीडियो बनाया, एक मतलब वो अलग ही लेवल के अटैक है यार, याद है वो वाला अटैक जहाँ पे उसने यहाँ पे लावा लून किया था, बट यहाँ पे लावा की जगह पे उसने हीलर के यूज किया था, मतलब
याद है ना गाइस वो वाला अटैक, अगर तुम लोगों को चाहिए तो मुझे बताना, मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगा, तुम लोग देख लेना। तो यही है वो अटैक आईडी यहाँ पे, वो इसी क्लैन में था एंड इस वॉर में इसका एक बहुत बड़ा हाथ था क्योंकि इसने बहुत अच्छे अच्छे बेसिस पे यहाँ पे 3-स्टार लिया बहुत ही आराम से। तो ये रहा हम लोग का न्यू सुइसाइड लावलून अटैक। नॉर्मली लावलून में हम लोग यहाँ पे ज़्यादा हिट्स में यूज़ नहीं करते, बट यहाँ पे ये रहा हम लोग का सुइसाइड लावलून, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले हीरोज़ को लेके यहाँ पे सबसे पहले फनल क्रिएट करना पड़ता है एंड उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे लावलून स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग अटैक देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरफ से हम लोगों ने सीसी के ट्रूप को बाहर निकाल लिया, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग का हीरो आ जाएगा यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे 9 o'clock, ये यहाँ पे 9 o'clock से हम लोग का हीरो आ चुके हैं। इसके पीछे सभी एक बेबी ड्रैगन एंड एक क्वीन आ जाएगा, अभी क्वीन अब तक नहीं आया बट अभी क्वीन आ जाएगा, तो हम लोग देख लें। यहाँ पे सीसी के यहाँ पे क्वीन आ गया एंड ओपोनेंट की सीसी के ट्रूप को यहाँ पे आराम से निकल लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किंग चला गया है यहाँ पे एंड अभी तक क्वीन नहीं गया, बट आई थिंक यहाँ पे क्वीन अभी के अभी चला जाएगा, देखते हैं अभी क्वीन कब जाता है। ये सभी क्वीन आ गया एंड अभी क्वीन ओपोनेंट के बेबी ड्रैगन को, अरे यार अब तक नहीं पकड़ा, देखते हैं यहाँ पे क्या करता है। ओपोनेंट के बेबी ड्रैगन ने यहाँ पे अपने किंग को मार दिया, यहाँ पे आराम से मार दिया, बट यहाँ पे ये एक दिक्कत यहाँ पे आ चुका था कि यहाँ पे किंग मर गया एंड अभी भी क्वीन यहाँ पे रॉन्ग साइड पे चला गया। क्वीन को इस तरफ जाना था जिससे कि यहाँ पे एक एयर डिफेंस निकल जाता, बट अनफॉर्चुनेटली क्वीन यहाँ पे रॉन्ग साइड पे चला गया। बट कोई नहीं, यहाँ पे फिर भी अटैक्स को, मतलब इस वाले अटैक को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे संभाल लिया गया। यहाँ पे देखो एक एक लावा उसके पीछे से दो दो तीन तीन करके लून आ रहे हैं एंड यहाँ पे उसके पीछे से कुछ मिनियंस आ रहे हैं 2-3 एंड यहाँ पे हेस्पेल आ जाएगा अभी। यहाँ पे ओपोनेंट के यहाँ पे जो सीसी के ट्रूप है उसके ऊपर यहाँ पे एक यहाँ पे पॉइजन स्पेल एंड ओपोनेंट का क्वीन जो है वो बहुत दिक्कत दे रहा था, बट कोई नहीं उसको पूरा इग्नोर करके चला गया। इस तरफ से भी यहाँ पे दो दो तीन तीन लूंस करके एक लावा हाउंड एंड यहाँ पे भी कुछ लूंस थे उसको भी यहाँ पे दे दिया। अभी भी 2 लूंस उसके पास बाकी है एंड यहाँ पे फाइनल मतलब अभी भी यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे देख सो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, यहाँ पे क्लियर अप के लिए भी कुछ ट्रूप्स यहाँ पे मिनियंस वगैरह है एंड ये रहा अभी हम लोग के पास बस एक यहाँ पे हीलिंग स्पेल है, ठीक है। तो हीलिंग स्पेल यहाँ पे आराम से यहाँ पे 3-स्टार कर लेगा, यहाँ पे एक हीलिंग स्पेल आएगा बाद में जिसके यहाँ पे लूंस के यहाँ पे जो स्टेमिना है वो यहाँ पे शायद मतलब खत्म ना हो जाए। ये यहाँ पे एक हीलिंग स्पेल आ चुका है एंड यहाँ पे आराम से 3-स्टार कर लिया बंदे ने, मतलब एक से बढ़कर एक अटैक है गाइस। किसी भी अटैक को हम लोग यहाँ पे छोटा नहीं बोल सकते यार, मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 20-30 अटैक यहाँ पे देखा एंड सारे अटैक यार एक से बढ़कर एक है। मुझे बहुत दिक्कत हुई यहाँ पे इन चारों अटैक्स को मतलब देखने में, मतलब इन चारों अटैक्स को सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ क्योंकि यहाँ पे एक से बढ़कर एक अटैक यार, क्या बताओ यार तुम लोगों को अभी। तो यार तुम लोग अभी जरूर कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे तुम लोगों को सबसे बेस्ट अटैक कौन सा लगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे टोटल 50 vs 50 वॉर हुआ था एंड सारे बेसिस पे 3-स्टार पेला यार, कैसे पेला मुझे नहीं पता यार, इतना ताकतवर मतलब इतना ओपी वॉर था, तो क्या बताओ यार यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को कौन सा स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट लगा, गोआइप मतलब यहाँ पे नंबर 9 का गोआइप एंड यहाँ पे नंबर 17 का गोआइप या फिर नंबर 15 का क्वीन चार्ज ला लो या फिर नंबर 17 का सुइसाइड ला लो। तुम लोग जरूर बताना मुझे कमेंट करके, मुझे भी जानना है गाइस तुम लोग का फेवरेट अटैक कौन सा लगा, ठीक है। तो गाइस जरूर बताना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक करो और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन दबा दो जिससे कि तुम लोगों को क्लैश ऑफ क्लैंस से रिलेटेड हर एक छोटे से छोटी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।